नमस्कार, खासखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्वल गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। जयपुर में वीरांगनाओं के लिए संघर्ष कर रहे किरोड़ी लाल की पुलिस के साथ धक्का मुक्की, तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले गई पुलिस। राजस्थान के कोटा में ट्रक ने मारी खड़ी पिकअप को टक्कर, चालक की मौत। सड़क पर स्टेपनी बदलते वक्त हुआ हादसा। फेस ऐप के जरिए 28,000 पेंशनरों का सत्यापन करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया अब 7 दिन तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। जमानत पर सुनवाई 21 मार्च को होगी। मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम के सामने उठाया मंदिरों पर हमले का मुद्दा, कहा ऑस्ट्रेलिया के मंदिरों पर हमले की खबरों से भारत के लोग चिंतित। कर्नाटक के हसन में H3N2 वेरिएंट से 85 वर्षीय व्यक्ति की मौत। मसूरी झील के पास हुआ बड़ा हादसा, फॉर्चुनर कार गहरी खाई में गिरी, 7 घायल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माधव राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े 2 बाघ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कृष्णागिरी में नए भाजपा जिला कार्यालय का किया उद्घाटन। ईडी ने गाजियाबाद में राजद प्रमुख लालू यादव के रिश्तेदार और समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र यादव के आवास पर मारा छापा। पाकिस्तान में तहरीक ए इंसाफ PTI के मुखिया व पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने लाहौर पहुंची क्वेटा पुलिस। के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की महिला आरक्षण विधेयक पेश करने की मांग को लेकर 1 दिवसीय भूख हड़ताल समाप्त। चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 480 रन पर सिमटी, अश्विन ने झटके 6 विकेट। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मोबाइल प्ले स्टोर पर जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करें और खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com को लॉगिन करें। धन्यवाद।